जहानाबाद गया सड़क मार्ग को एरकी गांव के समीप गरीबों और महादलितों ने किया सड़क जाम। डीएम बालामुरुगन डी का तबादला किए जाने के विरोध में सड़क पर उतरे लोग, तबादला आदेश रद्द करने की प्रदर्शनकारी कर रहे थे मांग। भोजपुरी एल्बम पटना का पटाखा का किया गया लोकार्पण, जहानाबाद स्थित परमानंद उत्सव हॉल में आयोजित किया गया कार्यक्रम। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर सुबोध कुमार सिंह ने एल्बम का किया लोकार्पण। इंडोर स्टेडियम में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया रिहर्सल। 22 मार्च को बिहार दिवस के मौके पर टाउन हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे चयनित कलाकार। जहानाबाद के डीएम बालामुरुगन डी का यहां से तबादला हो गया है। उनका तबादला कर उन्हें गया का डीएम बनाया गया है। सरकार के इस कदम का जहानाबाद एरकी महादलित टोले के लोगों ने विरोध किया है। विरोध स्वरूप महादलितों ने जहानाबाद गया NH-83 को एरकी गांव के समीप जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी लोग डीएम का तबादला आदेश रद्द कर जहानाबाद में ही पदस्थापित कर देने की मांग कर रहे थे। सड़क जाम से NH-83 के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। कई VIP गाड़ियां जाम में फंसी थी। जाम में शामिल लोगों का कहना था कि डीएम बालामुरुगन डी ने अपने कार्यकाल में अच्छे ढंग से काम किया, गरीबों और महादलितों के उत्थान के लिए सदैव जागरूक रहे। बाद में अधिकारियों के समझाने के बाद सड़क जाम समाप्त हुआ। चंदन मिश्रा आजकल के लिए। जहानाबाद का जिला पदाधिकारी को तबादला कर दिया गया है। जहानाबाद का जिला पदाधिकारी महोदय ने गरीबों की हित में काम कर रहे थे, गरीबों के पक्ष में काम कर रहे थे। हमारा गांव एरकी गांव जो महादलितों के गांव है, आज सदियों से जो है हमारा गांव विकास से वंचित रहा है। हमारे जहानाबाद के माननीय जिला पदाधिकारी महोदय ने उनको आने के बाद हमारा गांव का चमुखी विकास हुआ है और हर जगह पर खास करके जो जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा है, वंचित समाज है, उसको उन्होंने विकास करने का काम कर रहे थे। जिला पदाधिकारी महोदय को तबादला के विरोध में हम लोग जो है रोड को जाम किए हैं, इसलिए कि हमारे जिला पदाधिकारी महोदय ऐसे स्वच्छ पदाधिकारी को जो तबादला कर दिया गया है उनको तबादला को रोक लगाया जाए। मैं उन्हीं के समर्थन में हम जो है हम लोग यहाँ के गरीब लोगों ने जाम किया। जहानाबाद के निचली रोड में अवस्थित परमानंद उत्सव हॉल में भोजपुरी एल्बम पटना के पटाखा गरम मसाला का लोकार्पण हुआ। लोकार्पण किया गया फिल्म निर्माता डिस्ट्रीब्यूटर सुबोध कुमार सिंह द्वारा। गीतकार परिंदा जहानाबादी उर्फ बलराम प्रसाद द्वारा लिखित इस एल्बम में गायक मधु कुमार ने कई गीत गाए हैं जो काफी अच्छे हैं। एल्बम के निर्माता राजेश वर्मा है। मंच का संचालन अजय विश्वकर्मा ने किया। इस अवसर पर आए अतिथि सुबोध कुमार सिंह को शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद मुख्तार हुसैन, आकाश मिश्रा, डॉक्टर अनवर हुसैन, शशिभूषण पासवान, सुधाकर राजेंद्र, गीतकार आनंद सागर सहित कई लोग उपस्थित थे। सुबोध सिंह ने कलाकारों का हौसला बढ़ाया और कहा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप जिस काम को भी कर रहे हैं मेहनत से और ईमानदारी से करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस अवसर पर परिंदा जहानाबादी ने स्वयं लिखित गजल भी सुनाया। चंदन मिश्रा आजकल के लिए। कर्म से प्रहार चाहिए, जल रहा हूँ जिसके गम में, उस बेवफा का प्यार चाहिए। दूर जा कहीं ऐ किसा, जिंदगी में बहार चाहिए। सुन के जिसे बज्म में मचे खलबली, ऐसा दिलकश अशआर चाहिए। अजी, अभी यहाँ पटना का पटाखा का एल्बम का विमोचन हुआ है। ये हमारे हाथों द्वारा विमोचन करवाया गया। इसके लिए हमें बहुत खुशी भी है कि जहानाबाद, और हमें पहले ही जानकारी भी नहीं था कि इतने अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ पे हैं। और विमोचन में सारे लोगों से मिलने के बाद हमें ये लगा कि आगे और भी अच्छा काम ये लोग कर सकते हैं, बशर्ते कि अपना पूर्ण निष्ठा और सर्वोच्च देने का कोशिश करें। एक छोटा सा भी काम करें तो अपना जो सबसे उत्तम है, सबसे सर्वोच्च है, वो देने का कोशिश करें। कभी न कभी आदमी ये लाइन ऐसा है कि अभी आपको कुछ नहीं जानता है, लोग कल क्लिक कर जाइएगा, कल रात रात ही लोग जो है स्टार बन जाते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे शरीर कलाकारों को?
इन कलाकारों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। जो भी काम आपके सामने आता है वो निष्ठा से करें, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें, आपकी ईमानदारी और निष्ठा आपको आगे ले जाएगी। बाईस मार्च को बिहार दिवस के मौके पर जहानाबाद में सरकारी प्रोग्राम का आयोजन किया जाना है। टाउन में आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस बार भी जहानाबाद में बिहार दिवस मनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। तैयारियों के क्रम में ही इंडोर स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का रिहर्सल किया गया। स्कूली बच्चों ने नृत्य संगीत का पूर्वाभ्यास किया। इसमें चयनित कलाकार बिहार दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए।